नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला शहर नान हाउस से दिखा रहे हैं, जहां आज भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस का जो कार्यक्रम है आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर विधायक असीम गोयल के साथ साथ सांसद रतनलाल कटारिया विशेष रूप से पहुंचे हैं और जोर शोर के साथ यहाँ पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हुजूम लोगों का यहाँ पर उमड़ चुका है और भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की जो है धूम इन लोगों में पूरी तरह से नज़र आ रही है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी यहाँ पर ढोल नगाड़ों के बीच, और उससे पहले कार्यक्रम में विधायक अम्बाला शहर असीम गोयल और उनके साथ साथ सांसद अम्बाला के रतनलाल कटारिया पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला शहर के नाना उससे दिखा रहे हैं। हेलो 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 मेरी बैंड वाले भाइयों से साथियों से अनुरोध कि कृपया कुछ देर के लिए साउंड कम कर दें ताकि हम मंच की व्यवस्था चला सकें। आज के इस भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर मैं सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए इस एरिया से हम सबके पूर्व में मेयर रहे रमेश मल जी, अब उनकी पुत्र वधु हमारी छोटी बहन मोनिका जी मल जो यहाँ से पार्षद हैं, उनको आमंत्रित करूँगा कि वो आए हुए सभी नेताओं का साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक मैं हमारे साथी एडवोकेट परवाना जी को आमंत्रित करूँगा, रिक्की जी को आमंत्रित करूँगा, ललित जी, अनिल जी, जितने भी साथी हैं जो भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो सब साथी कृपया मंच पर आ जाएं। भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी की तरफ से मुझे आदेश हुआ है कि मैं चंद शब्दों में, क्योंकि हम लोग आज की इस व्यवस्था में थोड़ा सा देरी से हैं, चंद ही शब्दों में आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी के सभी पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध कि वो मोमेंटो देकर हमारे सांसद श्रीमान रतनलाल कटारिया जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता
अब मैं अनुरोध करूंगा सभी सदस्यों से कि यहाँ पहुंचने पर हम सबके सुख दुख के साथी हमारे अपने भाई विधायक असीम गोयल जी को भी एक स्मृति चिन्ह देकर यहाँ पहुंचने पर उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा कि मंचासीन हमारे जितने भी गणमान्य पार्षद यहाँ पहुंचे हैं उसमें हमारे पदाधिकारी जितने भी भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी के हैं, हमारे यहाँ की पार्षदा मोनिका मल जी का एक स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन। इसके पश्चात अगली कड़ी में हरण सुरेश सावता जी जो हमारे हरियाणा सरकार द्वारा नवनीत पार्षद हैं, और इसके पश्चात भाई सुंदर ढींगरा जी का भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। इनके साथ साथ वार्ड नंबर 3 से हमारे पार्षद मन्नी अनंत जी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अब मैं प्रबंधक कमेटी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में हरियाणा सरकार द्वारा वार्ड नंबर 3 से पार्षद मनीष आनंद मन्नी जी हैं, मैं निवेदन करूंगा कमेटी से कि उनका स्वागत करें। अब मैं प्रबंधक कमेटी से निवेदन करूंगा कि वो यहां हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा जी का भी स्वागत करें। आप ही कर लेना सर। अब मैं निवेदन करूंगा प्रबंधक कमेटी से हमारे बीच में रितेश गोयल जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करें। अच्छा, हमारे साथ पूर्व में मेयर रहे श्री रमेश मल जी आए हैं, प्रबंधक कमेटी के सदस्य, उनको भी एक स्मृति चिन्ह देकर यहाँ सम्मानित करेंगे श्री रमेश जी मल। भारतीय जनता पार्टी के अंबाला शहर मंडल के महामंत्री श्री अमन सूद जी का यहाँ पहुंचने पर प्रबंधक कमेटी के द्वारा एक स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे और वार्ड नंबर 1 से भारतीय जनता पार्टी के हमारे हरदिल कर्मठ कार्यकर्ता एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गुरविंदर सिंह माणकपुर जी का भी स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन। इसी कड़ी में युवा मोर्चा के अध्यक्ष अर्पित अग्रवाल जी का भी प्रबंधक कमेटी के द्वारा अभिनंदन स्वागत किया जाएगा, और साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र के युवा और जुझारू साथी दीपक बिटलान प्रबंधक कमेटी द्वारा उनको भी एक स्मृति चिन्ह देकर यहां सम्मानित किया जाएगा। निखिल कांगड़ा जी अगर वो भी मंच पर है तो कृपया वो भी आगे आ जाएं, प्रबंधक कमेटी के द्वारा उनको भी एक स्मृति चिन्ह देकर यहां पर आमंत्रित और सम्मानित किया जाएगा। इंतजार की घड़ियों को समाप्त करते हुए मैं प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की सहमति और इनके अनुरोध पर हमारे हरदिल अजीज विधायक श्री असीम गोयल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने विचार आज के शुभ दिन पर रखें। श्री असीम गोयल जी विधायक। बोलिए भगवान वाल्मीकि महाराज की। देखो भाई, जिस जिसको तो खुशी है कि आज वो भगवान वाल्मीकि जी के अवतरण दिवस के ऊपर आया है, और एक बार वो फिर जोर से जयकारा लगाए, बोलिए भगवान वाल्मीकि महाराज की। आज के इस पावन पुनीत अवसर के ऊपर हमारे बीच में इस क्षेत्र के बहुत ही जुझारू सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री आदरणीय
नाम कटारिया जी, हमारे यहाँ से पूरब में मेयर रहे भाई रमेश लालवाल जी, हमारे यहाँ की पार्षद आदरणीय मोनिका मंत्री कार्यक्रम में उपस्थित है, हमारे पार्षद मनीष मंत्री तरफ चले जाओ, हरियाणा सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद भाई संदीप सत्यवा जी, सुरेश सोहता जी, सुंदर ढिगरा जी, अमन सूद जी, गुरविंदर माणकपुर जी, रितेश जी, अर्पित अग्रवाल जी कार्यक्रम में उपस्थित है, प्रबंधक कमेटी से ललित जी, अनिल जी, इधर आ जाओ हमारे बीच में दीपक बिरलान जी और किसी साथी का नाम रह गया मैं क्षमा चाहूंगा, और उपस्थित यहाँ सारे सज्जन जितने यहाँ आए हैं, अभी आज मैं सभी को इस महान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान वाल्मीकि जी का जो जीवन है वो अपने आप में प्रत्येक आदमी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के अंदर बदलाव लाकर इस दुनिया की सबसे आदर्श किताब को, आदर्श रामायण को लिखने का जो काम किया, जो आज घर घर में पूजी जाती है, भगवान राजा रामचंद्र जी को अगर किसी ने भगवान रामचंद्र बनाया तो भगवान वाल्मीकि महाराज थे। तो साथियों, आज हमारे लिए भी ये संकल्प का दिन है कि हम आज भगवान वाल्मीकि जी के इस अवतरण दिवस के ऊपर ये संकल्प करें कि इस साल भगवान वाल्मीकि जी की एक शिक्षा जरूर अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, और आने वाली भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जो जयंती होगी उस दिन अपने अंदर हम एक सुधार करने की कोशिश करेंगे, तभी आज हमें भगवान वाल्मीकि जी की जो जयंती है उसको मनाने की खुशी और दुगनी होगी। हमने यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से बहुत से ऐसे काम जो हमारे साथियों ने हमें लिख के दिए, अपने आप में कम्युनिटी सेंटर जो अपनी तरह का पूरे अम्बाड़ा में अलग तरह का एक ऐसी सामुदायिक हाल जो बन रहा है, और बहुत सी यहाँ चीज़ें जो दी गई हमारे साथियों ने अभी कुछ डिमांड रखी है। मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि जो आपने इसमें से लिखा है उससे कहीं ज़्यादा आपके पास पहुँच गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं, और मैं तो आपके बीच में आता रहता हूँ। आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हम तो आपकी सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं कटारिया जी से भी निवेदन करूंगा, हालांकि कोरोना की वजह से इनके अपने कोष के अंदर काफ़ी ज़्यादा बंदिशें लगी हैं, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ, आज भगवान वाल्मीकि जी का अवतरण दिवस है, इस नाते अपने श्रद्धा के शुभ यहाँ जरूर अर्पित करके जाएंगे। मैं ये बात कहते हुए आप सभी को द्वारा आज के इस महान दिवस की बहुत बहुत बधाई, और मैं सीधा ही कटारिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने विचार हम सब के सामने रखे। आदरणीय रत्नलाल कटारिया जी, थोड़े से आप हो जाओगे ना, मैं पीछे थोड़े से आगे हो जाओ, आपको नहीं हो सकता, मैं ठीक करा पता है क्या, पीछे गिरने की खतरा है मेरे भी तो। अम्बाला की आन बान शान, हेलो हेलो, हमारे बहुत जय वाल्मीकि लोकप्रिय विधायक भाई असीम जी, यहाँ से हमारी बहुत ही जुझारू पार्षद मोनिका मल जी, आदरणीय श्रीमान रमेश मल जी, भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्यगण, मेरी पार्टी के सभी नेतागण, आज पकड़ाइए जरा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगेंस्ट आ रही है, और बम्बई से गुवाहाटी तक भगवान महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, और आज भगवान वाल्मीकि को सारा देश याद कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने एक महान ग्रंथ रामायण लिखकर सारे संसार को ये दिखाया कि हम
किस तरह से बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय प्राप्त कर सकते हैं। मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार भी हमारे वाल्मीकि समाज के लिए दिन प्रतिदिन नई नई योजनाएं बना रही हैं और हम इस देश से गरीबी उन्मूलन करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे समाज के लोग जो कई बार अनहोनी का शिकार होते हैं और सीवरेज के अंदर सफाई करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, मैं इस मंत्रालय का मंत्री था, मैंने उसमें 10 लाख रुपए का प्रावधान कराया और अब जो हमारा रूम का डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उसका खत्म करी हम अपने समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पर आया, मैं 2.5 लाख रुपए यहाँ पर अपनी धर्मशाला में आज के इस अवसर पर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे लाइब्रेरी ताकि हमारे युवा बच्चों के लिए या डिस्पेंसरी, जो भी इसमें ठीक उचित व्यवस्था दोनों में बन पाएगी उसको हम आगे आपको हरियाणा सरकार की तरफ से देंगे, चाहे लाइब्रेरी ताकि बच्चे पढ़ सकें या डिस्पेंसरी। तो ये सारी घोषणाएं जो आपने मुझे दी थी यादवी मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार मैं आपकी सारी घोषणाएँ मंजूर करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय सांसद रतनलाल कटारिया जी और विधायक जी से कि हमारे इस आज के सफल आयोजन करने वाले भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी के जो हमारे साथी जुझारू इस सारे कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं उन साथियों को भी एक प्रतीकात्मक रूप से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। श्रीमान रतनलाल कटारिया जी और विधायक असीम गोयल जी, प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्य कृपया साथ साथ आ जाएं। सभी प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से मेरा अनुरोध कि कृपया मंच के पास आ जाएं। माननीय विधायक श्री असीम गोयल जी और रतनलाल कटारिया जी जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से लगभग 18.5 लाख रुपए आज हमारे इस वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में या धर्मशाला और अन्य कामों के लिए दिए हैं, मैं उनका और विधायक जी का कहना है कि यह तो अभी शुरुआत है।